इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू के साथ अहम खबरों पर भी एक नज़र। आज का अहम मौजू है, क्या वैक्सीन भी देशभक्त है, या यूं कहिए कि वैक्सीन भी सियासी बन गई है। कोरोना आलमी वबा के चलते वैक्सीन देने का काम जारी है। वैसे तो दावा किया जा रहा है कि भारत अब दिगर ममालिक यानी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को भी वैक्सीन देने वाली है, पर इससे पहले ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर ही एतराज़ किए जा रहे हैं। शुरुआत में सेहत मुलाजमीन, सेहत महकमा, कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर, सफाई कारकुनान और दिगर लोगों को देने का फैसला किया गया। पहले दौर में 7000 से भी ज्यादा हिस्से और हर हिस्से में 100 से भी ज्यादा सफाई कारकुनान या फिर सेहत महकमा को वैक्सीन देने का फैसला लिया गया था, पर अब तक सिर्फ 3 लाख से कुछ ज्यादा सफाई मुलाजमीन को ही दिया गया। ताज्जुब तो इस बात का है कि जब सेहत महकमा के लोग वैक्सीन के बारे में जानते हैं और इसकी अहमियत को भी समझते हैं, तो फिर आखिर क्या बात है कि सेहत महकमा यानी आरोग्य कर्मचारी वैक्सीन लगवाने से क्यों हट रहे हैं। मोदी हुकूमत बार बार कह रही कि वैक्सीन पर शक करना देशद्रोह है। आज के इस मौजू का कुछ हिस्सा करण थापर के आर्टिकल से लिया गया है, जिसमें उन्होंने वैक्सीन ना लेने को देशद्रोह कहना बिल्कुल गलत है और ये अल्फाज ही घटिया है और मोदी हुकूमत की सोच पर अफसोस जताया। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हुकूमत ने या कोवैक्सीन के भारत बायोटेक ने किसी बात का भरोसा दिलाया था। भारत के दो जरासीम के माहिरीन यानी वायरस एक्सपर्ट्स गगनदीप कांग और शाहिद जमाल ने वैक्सीन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या इस वैक्सीन के भरोसे का पैमाना तय किया हुआ है, जब हमें इसके असर का ही इल्म नहीं है, या फिर कितना असरअंदाज हो रहा है इसका डाटा मौजूद ना हो तो कोवैक्सीन पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। भारत के मशहूर दो वायरस माहिरीन के सवाल के साथ देश के और भी तकरीबन 50 डॉक्टरों ने सवाल उठाया, तो इनकी मुखालिफत को देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है, जिस पर करण थापर ने भी सख्त एतराज जताते हुए कहा कि हर बात को देशभक्ति से जोड़ने की बीमारी हमारे देश में लगी हुई है। इस बात का भी जिक्र इसमें किया गया कि अगर कोई वैक्सीन लगवा कर ये समझ ले के खुद कोरोना प्रूफ हो गया है और तमाम एहतियाती तदाबीर को छोड़कर सभी यूं ही घूमने लगेंगे तो और भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कांग और जमील दोनों वायरस एक्सपर्ट्स हुकूमत से सवाल पूछते हैं कि जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के असर का कोई भी डाटा मालूम नहीं है तो इसे इजाजत किस बुनियाद पर दी गई। कोरोना को रोकने के लिए कोवैक्सीन का टीका लगवाना जरूरी है की बात की गई, पर यह दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है, किसी तरह के आंकड़े भी मौजूद नहीं है, सिर्फ कयास लगाया जाता है कि हो सकता है, पर यकीनी कोई दावा नहीं है। भारत बायोटेक के सदर और कोवैक्सीन के बानी डॉक्टर कृष्ण लीला भी इस बात से तफाक रखते हैं कि कोवैक्सीन के असर का सिर्फ गृहीतक यानी कि कयास ही है, हुकूमत को इसे लेकर सोचना जरूरी है। डॉक्टर लीला ने एक और बात यह भी कही थी कि हफ्ते का वक्त दे दो ताकि आपको डाटा दिया जाएगा, पर इस बात को अब तक 4 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया लेकिन किसी तरह का डाटा पेश नहीं किया गया। अब वैसे भी देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है, इस वैक्सीन को भी राष्ट्रवादी बनाया जा रहा है। महज मरकजी मोदी हुकूमत की चापलूसी में तमाम 50 डॉक्टरों को अब राष्ट्रद्रोही बताने की कोशिश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की कयादत में देश आत्मनिर्भर बन रहा है, दुनिया की कयादत करने जा रहा है और कुछ देश विरोधी कोवैक्सीन पर शक जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बात की करण थापर ने मजम्मत करते हुए कहा कि अंधभक्त बनकर मोदी की हर बात को सही ठहराने से बेहतर है कि वैक्सीन के भरोसे के लिए मामले को इतना शफाफ बनाया जाए कि खुद लोग आगे बढ़ चढ़ कर आए, और अगर शक और शुबात को दूर नहीं कर सकते तो कुछ दिन के लिए इसे मुलतवी करो, जब तक कि कोवैक्सीन के एतमाद को मुकम्मल तौर पर बहाल न किया जाए। अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम जिला सौंदती चचड़ी गांव के करीब बस और कार हादसे में बेलगाम के 4 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई। बस और कार का हादसा इतना खौफनाक था कि लाशों को क्रेन के जरिए निकाला गया। चारों की पहचान सह्याद्री नगर के महिला पीएसआर लक्ष्मी नलोड़े, प्रसाद पवार, अंकित पवार और दीप शाहपुरकर के तौर पर हुआ है। केएसआरटी से बस बेलगाम से इलखल की तरफ जा रही थी तो कार बेलगाम से अरगट्टी की तरफ आ रही थी। तस्वीर में देख सकते हैं कि कार बस में दाखिल हो चुके, देखने वालों ने बताया कि 4 टुकड़ों में बिखरे हुए थे। जाहिर है कार और बस दोनों तेज रफ्तार थे। मुरगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है।
बेलगाम शहर और अतराफ में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस इंतजामिया चौकन्नी रहने के बावजूद भी मामलों में इजाफा ही होता जा रहा। कई सारे मंदिरों को तक निशाना बनाया जा रहा है। कल की वारदात ने एक बार फिर पुलिस इंतजामिया खबरदार हुई है, पर आवाम में डर का माहौल बना। मट गली जो बेलगाम शहर के मसरूफ तरीन इलाके में वाक़ है, हथियारबंद मुजरिमों का मौजूद होना वाकई सोचने की बात है। चेतना स्टोर के मालिक राकेश जैन रात को ठीक 9:30 बजे दुकान बंद करने की तैयारी में थे। उतने में ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध आए, जिसमें से एक दुकान में दाखिल हुआ तो बाकी 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। दुकान में दाखिल होते ही उसने राकेश जैन पर रिवॉल्वर लगाई और शटर को नीचे खींचा, रुपयों की मांग करने लगा। राकेश जैन पर आखिर उसने गोली भी चलाई, पर गोली से मामूली जख्म हुआ। नाकाम होने पर हमलावर भाग निकला। जख्मी राकेश जैन को अस्पताल में दाखिल किया गया। लिहाजा आवाम में डर का माहौल है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द हमलावरों को जेर बंद करे। इतना जरूर साबित हुआ है कि हमलावर भी मारवाड़ी जबान में बात कर रहे थे, लिहाजा इनके पास जो पिस्तौल थी कहाँ से आई और कितने हमलावरों के पास और भी इस तरह के हथियार होंगे, क्या ये गिरोह है या किसी तंजीम किसी संगठन के अपराध है, इसकी तहकीक जरूरी है। बेलगाम शहर एक पुरमन पुरसुकून शहर है। बेलगाम में अगर किसी तरह गुंडागर्दी या डकैती या दिगर गैर कानूनी कामों को चोरी छिपे अंजाम दिया जा रहा है तो वो इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर इन्हें जेल में बंद करे, ताकि अवाम का भरोसा बरकरार रहे, ऐसा अवाम का मुतालबा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।